हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं मोस्ट 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 सजेस्टेड वीडियो है और ये है एग्री नंदिनी जो कि मिथाली ठाकुर की, आई थिंक इट्स मैथिली, सॉरी इट्स मैथिली ठाकुर की वीडियो है जो कि बहुत ही ज़्यादा सजेशंस आ रही थी। जीमेल में भी बहुत सारी सजेशंस आई थी, सो थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन। इस वीडियो को आज हम देख लेते हैं और रिएक्ट कर लेते हैं, फिर बातें करेंगे बहुत सारी। सो चलते वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो हियर वी गो। दर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषा
सुर मर्दिनी रम्या का पर्दिनी शैल सुते धनुरनु शंगरण क्षण संग परिस्फुर दंग नटक कटके कनक शंग प्रिषद कनि शंग रसद भट श्रृंग हता बटुके कृत चतुरंग बलक्षिति रंग घटत बहुरंग रटत बटुके जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैल सुते ललनाथ तथी कृताभिनयो दर नृत्य रते कृत कुकुथ कुकुथो गड दादि कताल कुतूहल गान रते कुदुकट थुक्कुट थिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनाद रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते जय जप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिंझिमि झिंकृत नूपुर सिंजित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटित नाट्य सुगान रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते सुमनोहर कांतियुते श्रित रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन वे भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते सहित महाहव मल्लम तल्लिक मल्लित रल्लक मल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक चिल्लिक बिल्लिक वर्गवृते सिद्धकृत पुल्लस मुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते अविरल गंड गलन मद मेधुर मत्त मतंगज राजपते त्रिभुवन भूषण भूत कला निधि रूप पयो निधि राजसुते ऐ सुदती जन लाल समानस मोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते कमल दलामल कोमल कांति कला कलितामल भाल लते सकल विलास कला निलय क्रम केल चलत कल हंस कुले अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मौलि मिलत मकुलालिकुले जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते कर मुरली रव बीजित कूजित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित पुलिंद मनोहर कुंजित रंजित शैल निकुंजगते निज गुण भूत महाशबरी गण सद्गुण संभृत केलित ले जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते कटितट पीतदुकूल विचित्रमयू खतिरस्कृत चंद्र रुचे प्रणत सुरासुर मौलि मणि स्फुर दंशुल सन्नख चंद्र रुचे कनका
मौलि मदोर्जित निर्भर कुचर कुंभ कुचे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते सहस्रकरैकसहस्रकरैकसहस्रकरैकनुते कृतसुर तारक संगर तारक संगर तारक सूनुसुते सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते कमलं करुणानिलये वरिवस्यति योनुदिनं सशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किन्न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकल सत्कल सिंधु जलैरनु सिंचिनुते गुणरंग भुवं भजति सकिं न सची कुच कुंभतटी परिरंभ सुखानुभवं तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवं जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरुहूत पुरीन्दुमुखी सुमुखी विरसौ विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युररी गुरुता दुरुता मम पापुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तो ये थी मैथिली की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत एग्री नंदिनी सतोत्राम इट वॉज मैं ये कहूँगी कि यार कद्दर कोई अच्छा था एज बीइंग मुस्लिम मैं जब इसे सुन रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि इसका जो म्यूज़िक पीछे से चल रहा था ट्रेडिशनल वो बहुत हार्ट टचिंग था साथ में इसमें जो वर्ड्स बोले जा रहे थे सच बताऊं तो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे समझ क्या जो मतलब आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को इसकी समझ नहीं आती होगी काफ़ी कम लोग होंगे जिनको समझ आती होगी जिन्होंने समझा होगा क्योंकि ये लैंग्वेज कोई दूसरी है लेकिन मेरे ख्याल से संस्कृत है या कोई और है बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा लेकिन वही बात है कि ये मुझे समझ नहीं आया कि इसमें क्या बोला जा रहा था बट ये जो बोल रही थी जिस तरह से वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे इतना ज़रूर पता है कि इसमें कुछ ऐसा है जो कि अट्रैक्ट करता है इंसान को अपनी तरफ दूसरा ये दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा ना आ जाता है ये चीज़ मैंने फील की इसको सुनने के बाद क्योंकि मैं जब सुन रही थी ना ऐसा लग रहा था जैसे वो मतलब कि मेरे डायरेक्ट मेरे दिमाग के अंदर जा रहा है कानों से दिमाग के अंदर जा रहा है तो मतलब हैवी टाइप का था कोई लेकिन जो भी था बहुत ज़बरदस्त था काफ़ी फील हो रहा था अच्छा फील हो रहा था और
ये कोई आम नहीं है एग्री नंदिनी सतोत्राम, मुझे लगता है कि काफी इसकी वैल्यू होगी। जिस तरह से ये सुनते वक्त मेरे मुझे इससे फील हुआ, जो लाइक जब मैं सुन रही थी उस वक्त और उस सुनने के बाद जो मेरा दिमाग है वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट फील कर रहा है। तो खैर ओवरऑल अच्छा था, मज़ा आया। और एग्री नंदिनी चूँकि इनका ट्रेडिशनल म्यूज़िक था और साथ में ये लड़की ने जिस तरह से इसको अपनी ज़ुबान से अपनी आवाज़ से जो इसको इतना खूबसूरत बना दिया और ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त। और इतना 12 मिनट का ऑलमोस्ट था लेकिन इन्होंने जिस तरह से इसको कंटिन्यू रखा, और इतनी लग नहीं रहा था कि कहीं से भी वो थक गई हूँ या मतलब कि कुछ भी, मतलब वो इतना इंजॉय करके बोल रही थी, इतना खुश होकर दिल से गा रही थी। तो शायद इसी वजह से इनकी वीडियो को 24 मिलियन जो है वो व्यूज़ भी मिल चुके हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी कि कहते हैं ना कि हर सुनो सबकी, करो वही जो आपको अच्छा लगे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा सुनना, और मुझे लगता है कि इसमें कोई हर्ज भी नहीं है अगर आप इस तरह की कुछ सुनते हैं चीज़ें। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसको किस तरह से लेकर चलते हो। बाकी हंसराज की जो वीडियो है वो भी मैं सॉन्ग सुनती रहती हूँ, और मोटिवेशनल होते हैं और अच्छा लगता है। सो अच्छा, आई थिंक निर्जला करके कोई आप लोगों का फेस्टिवल भी है, और वो है शिव जी से रिलेटेड है, आई थिंक शिव जी और कृष्ण जी से रिलेटेड है। तो ये फेस्टिवल भी शायद आज आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें आप उपवास वगैरह कुछ रखते हैं। और तो अगर इस तरह का कुछ है तो वहाँ मुझे ज़रूर बताएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कैसा है। मैंने एक दो लोगों के स्टेटस भी देखे थे इससे अकॉर्डिंगली, तो मुझे लग रहा है कि इस टाइप की कोई मतलब कि आज आप लोगों का कोई फेस्टिवल है। सो गाइज आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और लास्ट में मैं मैथिली के लिए बोलूँगी कि मैथिली ने बहुत अच्छा गाया है, और उनको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है, और उनकी आवाज़ में कोई अलग सा ही जादू है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।